हेलो मित्रों, चार्ट स्ट्रेटजी में कोर्स लेके आए। इसका नाम है केपी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, जो एक कंपनी है। बेसिकली ग्रीन एनर्जी में काम करती है, सोलर एनर्जी में काम करती है। उससे जुड़ी बात है, ये सरकार की भी मदद करती है। ये उसके प्लान में जो सरकार चाहती थी ना कि ग्रीन ग्रीन की एनर्जी हर जगह हो ताकि इन्वायरमेंट सेफ रहे, उसमें भी काम कर रही है। तो शेयर देख लेते हैं। तो ये 1 वीक का शेयर है, ठीक है। 1 हफ्ते से मैंने चार्ट लगा रखा है, तो इसने अप मूव दिया है 10% का। वैसे तो ये आज ही उसने 10% का मूव दिया है, पर मैंने वीक का लगा रखा है ये, ठीक है। एक ही वीक का, मतलब सोमवार से चल रहा है जो, तो ये देख सकते हैं, ये इसने आज ही 10% का ऑलमोस्ट मूव दिया है, और ये अच्छी वॉल्यूम भी लेके आ रहा है, ठीक है। और इसमें एक नैरो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देख रहे होगे आप। सपोर्ट और रिस्ट्रिक्शन जो है धीरे धीरे नैरो हो रहा है, मतलब कि एक, मैं अभी ट्रैंगल तो नहीं बोलेंगे, पर यहाँ पे देखोगे कि आप जाके ये आखिर जाके ट्रैंगल में बन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। सभी ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये जरूरत नहीं है इसकी देखने की। ये ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे इस कैंडल पे ही, ठीक है। इसने लास्ट में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लिया था, ठीक है, और ये सपोर्ट भी था कहीं पर ही। उसके बाद इसने बड़ी वॉल्यूम के साथ, अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। अब देख सकते हो यहाँ पे दोनों कैंडल पे ब्रेक किया उसने, और फिर थोड़ा सस्टेन किया और ऊपर गया, और फिर से इसने रिस्ट्रिक्शन लिया इस लेवल पर आके, ठीक है। और इसने आज 10% का मूव भी दिया, तो ब्रेकआउट तो हो चुका है ऑलरेडी शेयर ये, ठीक है। तो नियर फ्यूचर में आपको इसमें 650 तक के टारगेट दिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा शेयर है ये, ठीक है, और पैसे पैसे बनाने वाला शेयर है ये भी, ठीक है। और अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है, तो आप इसमें तकरीबन 500 के नीचे अगर सस्टेन करता है ये, तो आप SL एग्जिट कर लेना, ठीक है ना। अगर 500 के नीचे 1 हफ्ते ज़्यादा ही सस्टेन करता है नीचे, तो आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी शेयरों के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।